नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS Education हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक जो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट ईयर IBPS PU प्री में जो पूछे गए थे, उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, अप्रोच क्या रह सकती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, किस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में रहेगी। ओके, मेन फोकस IBPS PU प्री 2021 है। जो भी स्टूडेंट SBI PU प्री की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो की हेल्प भी ले सकते हैं। सेम पैटर्न रहता है, सेम क्वेश्चंस रहते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा, और कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लास्ट ईयर IBPS PU प्री 2020 में जो पूछी गई थी उनका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, राइट। आप इनको देख सकते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट DI सेट जो लास्ट ईयर 2020 में आपकी पूछा गया था, दो DI सेट मैंने डिस्कस कराए हैं, देख लीजिएगा, सेम थंबनेल है। इसी प्रकार सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस भी, और आपके मिसिंग नंबर्स रीच भी, राइट। अभी तक प्रीवियस ईयर के, देखिए अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो मैथ के लिए तो मैं बेसिकली अपलोड करते रहता हूँ, लॉट ऑफ वीडियोज अवेलेबल है, प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ओके, सीधे चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहिएगा, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सारा का सारा फोकस आपका क्वेश्चंस पर रहना चाहिए। ओके, देखिए, सतीश इज 3 ईयर्स यंगर देन आयुष, दो फ्रेंड हैं सतीर और आयुष, राइट। सतीश है जो 3 साल छोटा है आयुष से, फर्स्ट थे। रेशियो ऑफ आयुष इज 5 ईयर्स एगो, यानी कि जो रेशियो है आयुष का, 5 साल पहले सतीश इज 4 ईयर्स एंड 4 साल बाद रेशियो दे रखा है 3:4 का। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सतीश, एक अच्छा क्वेश्चन, PU प्री लेवल का क्वेश्चन है, कैसे करना है देखिएगा। यहाँ पर है आयुष, यहाँ पर है सतीश, दो व्यक्ति हैं। सतीश इज 3 ईयर्स यंगर देन आयुष, राइट। सतीश है जो आयुष से 3 साल छोटा है, राइट। अपन मान लेते हैं सतीश है जो एक्स, इसकी आयु एक्स है, और आयुष की आयु कितनी होगी, एक्स प्लस 3 ईयर्स। हाउ, कैसे, आयु से जो सतीश से 3 साल बड़ा होगा, 3 साल छोटा है 3 साल बड़ा होगा, अपन ने मान लिया। अब एक्स इसको भी मान सकते हैं, एक्स माइनस 3 इसको भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब रेशियो दे रखा है 3:4 का, तो देखिए यहाँ पर है आयुष एक्स प्लस 3, यहाँ पर है सतीश एक्स। अब पूछ रहा, कह रहा है क्वेश्चन कि आयुष से 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी कि माइनस कर दिए, और ये कह रहा है 4 साल बाद यानी कि प्लस का 4 ईयर्स, जो रेशियो आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स 3:4 का आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस एक्स माइनस, सॉरी माइनस की संख्या बड़ी है,
एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको एग्जाम्स में ट्रिक होती जरूर है, बट एग्जाम्स के समय एक माइंड में आपके नहीं आती, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ताकि मेंस में भी आपको फायदा हो, राइट। एक्स प्लस इज इक्वल टू 3/4, ये आपका हो, तो 4x माइनस का 4 × 2 दैट इज द 8, 3x 3 × 4 दैट इज द 12, ओके। तो दैट इज द 12, 4x माइनस 3x दैट इज द x इज इक्वल टू, माइनस का 8 है इधर आके प्लस का होगा 12, इधर प्लस का ही है तो 12 प्लस 8 दैट इज द 20, ओके। यानी कि x की वैल्यू अपने पास 20 आ चुकी है। अब किसका चाहिए? 37 की वर्तमान आयु, 37 ये रहा, x की वैल्यू ही चाहिए थी अपने को, तो x की वैल्यू 20 आ चुकी है। आंसर क्या आएगा? 20 ईयर्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें 4 और ऐड करेंगे ना तो अपने पास 4 साल बाद एज आ जाएगी, बट अपने को 37 की वर्तमान आयु चाहिए, ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पर ऑप्शंस अगर मैं दे देता ना 24, तो लॉट ऑफ कुछ पीपल्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चंस को गलत टिक करते, ओके। क्लियर आंसर आएगा इसका 20, सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आई होप सो गाइस आपको समझ में भी आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले, यहाँ कोई डाउट है क्वेश्चंस में तो कमेंट करिएगा। नाउ अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे। देखिए, राजू एंड शनि दो व्यक्ति है, टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क 16 डेज, दोनों मिलकर काम कंप्लीट करते हैं 16 डेज में, वाइल राजू इज 33 से ही 1/3%, ओके। यहाँ पर 33 से ही 1/3% मोर इफिशियंट देन शनि, 33 से 1/3 यानी कि इसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर राजू आपकी 3 है, राजू मोर है तो सनी आपका 3 है तो राजू आपका मोर होगा। 3 + 4 एफिशिएंसी है 7 यूनिट, प्रतिदिन ये काम करते हैं, 16 डेज में 112 यूनिट आपका टोटल्स वर्क आ चुका है। यहाँ तक क्वेश्चंस रैंडमली कर दिए। अब सनी एंड रीतु, अब रीतु की एंट्री हुई है, सनी वही है, टुगेदर कैन कंप्लीट 75% वर्क, यानी कि 3/4, 112 टोटल्स वर्क है इसका, 3/4 वर्क है जो कि आपकी रितु और सनी मिलकर करते हैं, तो 1/4, 3/4 कितना हो गया इसका, राइट, 3/4 कितना हो गया, दैट इज द 3/4 आपके वर्क हो गया, दैट इज द 84, 84, राइट, 84 वर्क है जो कि आपके कंप्लीट करते हैं 12 दिनों में, राइट। 12 दिनों में कंप्लीट होता है तो कितनी टोटल्स इफिशियंसी होगी, 7 यूनिट, ओके। 7 यूनिट रीतु और सनी, राइट, ये सनी और रीतु, ये सनी है और ये रीतु है, सनी और रीतु 7 यूनिट आपकी इफिशियंसी होगी पर डे के हिसाब से करते हैं। अपने को रीतु की इफिशियंसी चाहिएगी क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है रीतु अकेली कितने दिनों में काम करेगी, रीतु अलेन कैन कंप्लीट टू वर्क, राइट। तो अपन ने निकाली थी सनी और राजू की, पहले ये राजू, फिर आपका एस फोर शनि है, राजू है जो कि 33 से 1/3% मोर इफिशियंट है, तो ये शनि अगर 3 है तो राजू आपका 4 होगा, तो शनि 3 है, 3 + 4 करेंगे तो अपने पास 7 आएगा, टोटल्स आपका 7 है, तो रीतु आपकी 4 यूनिट, तो 112 टोटल्स वर्क है, 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बनाती है, तो टोटल्स वर्क आपके कितने दिन में करेगी, यह 28 डेज में। इज इट क्लियर? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। आई होप समझ में आया होगा, दोबारा बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस को मैंने किया है। ये आपका राजू है, ये शनि है, क्वेश्चंस में गिवन है 33 से 1/3, तो इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/3, ओके। अगर मान लीजिए शनि है जो कि 3 यूनिट करता है, राइट,
तो राजू इससे एक ज़्यादा यानी कि 4 यूनिट करेगा। टोटल्स इफिशियंसी आई 7 यूनिट पर डे, राइट। सेवन यूनिट पर डे जो कि आपके 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, 16 डेज में। टोटल्स वर्क कितना आया, 112 आपके, दैट इज द TW टोटल्स वर्क आ चुका है। ओके, यदि सनी और रितु मिलकर 75% काम कंप्लीट करते हैं 12 दिनों में, राइट। अब रितु की एंट्री है तो रितु प्लस सनी, आर मतलब रितु है और राजू मैंने पूरा लिखा है। ओके, रितु और सनी 75% काम कंप्लीट करते हैं तो 112 टोटल्स वर्क है इसका, 75 यानी कि 3/4 दैट इज द 84 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो टोटल्स इनकी इफिशियंसी कितनी हुई, एक दिन में 7 यूनिट बनाते हैं। ओके, रितु और सनी, बट सनी है जो कि 3 यूनिट पर दे और टोटल्स बनाते हैं 7 यूनिट पर डे, तो रितु की इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे। ओके, टोटल्स वर्क करवाना है अपने को 112 यूनिट बनानी है, रितु 4 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 28 डेज इनको रितु को लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, इज इट क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पूरे चेक हो। नेक्स्ट आपके पार्टनरशिप बेस पर क्वेश्चन है। पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टुगेदर विद इनिशियल्स इन्वेस्टमेंट 1500-1800 रेस्पेक्टिवली, पी और क्यू है 1500-1800 लगाते हैं। आफ्टर सम मंथ आर ऑल्सो ज्वाइन, कुछ महीने बाद है जो कि आर ज्वाइन करता है 2400 की पूंजी लगाकर। इफ टोटल्स प्रॉफिट आफ्टर ईयर 70,500 है, यानी कि कुल लाभ दे रखा है, ह्यूज शेयर प्रॉफिट इन 4500 मोर देन द प्रॉफिट ऑफ पी, क्यू का प्रॉफिट पी से 4500 ज़्यादा है। हाउ मेनी मंथ आर ज्वाइन देम, कितने महीने बाद आर ने ज्वाइन किया है। ओके, तो देखिए तीन व्यक्ति है, पी है, क्यू है और ई आर व्यक्ति है। ओके, ये आपका 1500 इन्वेस्ट करता है, ये आपके 1800, राइट, आई थिंक 1800 बिल्कुल सही है, और ये आपके 2400 इन्वेस्ट करता है, राइट। ये आपके 12 महीने काम करता है, ये भी आपके 12 महीने काम करता है, बट आर है जो कुछ महीनों बाद, यानी कि एक्स मान लेते हैं, राइट, एक्स मान लेते हैं 20 से 20, 12 से 12 एंड 2 टाइम्स, ये आपका गया, ये आपके बजा 15, 18 और 2x। ओके, टोटल्स कितना हुआ, दैट इज द 33 प्लस 2x। ओके, अब क्वेश्चंस गिवन है, यहां से अपन निकाल सकते हैं 4500 अधिक है आर के, यानी कि क्यू का हिस्सा पी से 4500 अधिक, यानी कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, राइट, कितनी, 3 इज इक्वल टू 4500, तो 1 की वैल्यू दैट इज द 1500। ओके, 1500 आपके 1 की वैल्यू आएगी, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको क्वेश्चंस। तो 1500 आपकी टोटल्स इसकी वैल्यू आ चुकी है 1501 की वैल्यू, तो 1500 की वैल्यू निकाल सके, 1800 की निकाल सकते हैं और 2x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो क्लियरली निकाल, पहले 33 इंटू 1500 कितना हुआ, दैट इज द 49,500 एंड 3000x, राइट। टोटल्स गिवन है अपने पास 70,500। ओके, तो 3000x इज इक्वल टू
49,500 माइनस 70,500 माइनस 49,500 तो कितना बचा 21,000। तो x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज सेवन। ओके, x की वैल्यू सेवन आई है, राइट। तो x है जो, यानी कि b ने पर्टिकुलर सेवन महीने, राइट, सात महीने काम किया है। टोटल्स महीने होते हैं 12, बी ने सात महीने काम किया, तो पांच महीने बी काम नहीं किया होगा। तो ऑप्शंस डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शंस ए सेवन ही है, तो अच्छे से पढ़िएगा क्या पूछना चाहता है, ऐसे क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस रहते हैं। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, सर नहीं समझ में आया मेरे ये क्वेश्चन, डेफिनेटली रिप्लाई कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आपके मेंचुरेशन स्पेस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि 132 मीटर एक वृत्त है, 176 मीटर परिधि का एक वृत्त है, राइट, सर्कमफेरेंस है सर्कल के। पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, राइट, दोनों में डिफरेंस पूछा है, स्मॉलर और लार्जर। ओके, तो देखिए पहले तो पता होना चाहिए 132 परिधि है तो उसकी भुजा क्या होगी। ओके, नहीं तो नहीं पता तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस का, 2 × 2πr², राइट, 132, ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली सर्कम फ्रेंड्स निकालने का सर्कल के। ओके, तो यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं, 22 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 7 × 3, दैट इज द 21। इसी प्रकार इसकी निकालिए, कैसे निकालेंगे इसकी, कैसे निकालेंगे, 2 × समझिएगा ध्यान से, 22/7 × r = 176, ये याद होना चाहिए, ये 28 का होता है बेसिकली। ओके, 8 × 4 × r आया दूसरा, दैट इज द 28। ओके, r2 यानी कि बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल दोनों में डिफरेंस चाहिए, राइट, दोनों में डिफरेंस क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल एरिया का सूत्र क्या होता है, πr², ये फॉर्मूला याद रखना है बस, πr², तो अपने क्वेश्चंस में -πr² 2, राइट, ये अपना फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 1 कर लीजिए, कोई एक ही बात है, तो अपने कॉमन टर्म पाई है, तो 22/7 × 28² माइनस का 21² राइट। आप अलग अलग निकालेंगे, निकाल भी सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ओके, इनटू 28² दैट इज द 784, 21² 441, राइट, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इनटू 4 − 1 दैट इज द 3, 8 − 4 = 4, 7 − 4 = 3, राइट, 743 पता होना चाहिए, दैट इज द क्यूब ऑफ 7, यानी कि 7 इसको ना लिखकर 7 को 3 टाइम लिख देंगे ना, तो बात एक ही है। ओके, तो 17 से 17 निकल गया, 49 × 22, राइट, 49 × 22, 8, राइट, 98 + 9 = 107, आंसर आएगा 1078 इज द करेक्ट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चंस है, समझिएगा ध्यान से। टैप पी कैन फिल द टैंक 5 hours, टैप पी है एक जो 5 घंटों में एक टैंक को भरता है। टैप क्यू कैन एम्प्टी, टैप क्यू है एम्प्टी करता है कितने, 7 से 1/2 है, तो इसको अपन
15 अपॉन 2 मान लेते हैं, ये एम्प्टी करता है, तब ही स्टार्ट्स फिलिंग द ओपन वन हर ईच अल्टरनेटिव, यानी कि एकांतर एक बार में एक पाइप भरता है, दूसरी बार में दूसरा खाली करता है। ओके तो पूरा टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज द टोटल टैंक कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी 15, ये आपका 3 times, ये आपका 2 times, यानी कि 1 घंटे में 1 liter पानी भरा जाता है। ओके 1 घंटे में 1 liter पानी भरा जाता है, राइट। 1 घंटे में पहले इसको, फिर 2 घंटे में, सॉरी 2 घंटे में आपके 1 liter पानी भरते हैं। ओके पहले घंटे इसको लगाया, दूसरे घंटे में इसने खाली कर दिया, राइट। 2 घंटे में 1 liter पानी भरते हैं, तो राइट अपने को 15 liter पानी भरना है माय डियर एस्पिरेंट्स, राइट 15 liter। तो 15 liter पानी भरने के लिए अपने को कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके तो देखिए, अब अपने को 15 liter पानी भरवाना है, राइट। तो पहले 3 घंटे तो ए भरेगा ही, तो ए पहले 15 liter भरवाना है, 3 liter ए डाल ही रहा है, तो 12 पहले अपन डलवाना है, राइट। तो 12 डालने के लिए, राइट 12 liter into 12 times, इसको भी अपने को 12 टाइम्स करने पड़ेगा, ताकि 24 hours, राइट 24 घंटे में 12 लीटर पानी भरता है, और पीछे वाला 1 घंटा है जो कि ए भर देगा, तो 3 लीटर पानी भर गया, टोटल्स 15 यूनिट पानी भर गया, टाइम कितना लगा 25 hours। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आई होप समझ में आया होगा। 15 लीटर पानी भरवाना है, कैपेसिटी है टैंक की 3 यूनिट प्रति यूनिट के हिसाब से, अब 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी डालता है पी, राइट। तो पहले 3 लीटर अपन ने माइनस कर दिया, अब दोनों मिलकर अपन ये भरेंगे 12 लीटर, राइट। तो 12 लीटर कितने में खाली करेगा, भरेगा खाली करेगा, राइट। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। एज बेस पर क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। दो व्यक्ति है ए और बी, राइट 7:8 है द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ एज, प्रेजेंट एज ऑफ एज ए एंड सी 14:7, यानी कि ए और सी है, इट कॉमन टर्म है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका 8:7 दे रखा है, और ये आपका 14:17 दे रखा है। ओके 14:17, यदि सी की वर्तमान आयु दे रखी है, दैट इज द 51 ईयर्स, बी की वर्तमान पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका 14 है, इसको भी सेम करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन, इसको भी करना पड़ेगा 2 से, 16 times 14 times 17 times, राइट 17 की वैल्यू 51 है, 3 टाइम्स बी की पूछा है, तो बी की निकाल दीजिए, इनटू 3 48। सी ऑप्शंस, अगर ए की पूछा तो ए की भी निकाल सकते हैं, राइट। सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, देखिएगा। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स 1500, आर्टिकल्स के मार्क प्राइस है 1500 है, 20% का डिस्काउंट है, सीपी एमपी और एसपी 3 होते हैं, डिस्काउंट आपका एमपी और एसपी पे, और प्रॉफिट और लॉस होता है जो सीपी और एसपी पे डिपेंड करता है। 1500 रुपये आपकी मार्केट प्राइस है, 20% का डिस्काउंट है, 20% इसका कितना होता है 300, यानी कि 1200 में सेल किया है। ओके हैड इट बीन 100 less, देन प्रॉफिट होगा 10% का। अगर 100 रुपये कम में बेची जाए, यानी कि 1100 रुपये में बेचा, प्रॉफिट होगा कितने का 10% का, तो प्रॉफिट सीपी और एसपी 10% की वैल्यू होती है 1/10, अगर ये 10 है राइट, अगर ये 11 की वैल्यू 1100 है, यानी कि
100 टाइम्स, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द 100 टाइम्स, तो आंसर आएगा 1000। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा, सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चंस, देखिए एक डिपार्टमेंट है 30% एम्प्लॉय है फीमेल है, एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए 100% है, 30% फीमेल यानी कि 30 हुई और 70% आपकी मेल हो गए। ओके नेक्स्ट आगे पढ़िए, 60% ऑफ मेल एम्प्लॉयज नो हिंदी, यानी कि इसमें से 60% है जो कि हिंदी जानते हैं, 60% मेल एम्प्लॉय राइट, आपकी 60% दैट इज द 42 जो कि हिंदी जानते हैं राइट। द टोटल्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु नोज हिंदी, देखिए टोटल्स नंबर ऑफ यानी कि इसका 66% कितना होता है, 66 टोटल्स है मेल प्लस फीमेल, आपकी टोटल्स है हिंदी जानती हैं 66, अपने पास मेल है हिंदी जानने वाले 42 ये निकाला था, प्लस फीमेल अपने पास नहीं है दैट इज द 66, तो यहाँ से फीमेल निकाल सकते हैं दैट इज द 24 आपकी फीमेल होगी हिंदी जानने वाले। क्वेश्चंस पूछा है हिंदी जानने वाली महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है, टोटल हिंदी जानने वाली 24 है और महिलाएं टोटल 30 है, कितना परसेंटेज होगा, 80 टाइम्स 80% इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, देखिए अगर समझ में आता जा रहा है ना तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करते चलिएगा। ओके एवरेज दे रखा है 15 मेंबर का 12 राइट, 15 का 12 दे रखा है, 15 का 12 एवरेज दे रखता है, तो 15 × 12 कितना होता है, 15 का डबल 30, 12 का हाफ 6, 30 × 6 दैट इज द 180। ओके फर्स्ट फोर मेंबर्स का एवरेज है 4 × 9 36, एवरेज ऑफ 9 नंबर 9 × 4 14 राइट दैट इज द 126, टोटल्स कितना हुआ, 6 + 6 = 12 6 162 आपके टोटल्स हुआ, डिफरेंस कितना हुआ दैट इज द 18 का डिफरेंसेस, 18 का डिफरेंसेस है यानी कि पहली चार संख्याओं का औसत 9 है और अंतिम 9 संख्या, 9 और 4 13, दो संख्याएं बची तो दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी बचेगी, इसका औसत होगा दैट इज द 9, पांचवी और छठवीं संख्या औसत कितना होगा, 9, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डी। ओके नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चंस देखिए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है, अगेन मेंचुरेशंस का क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे दीजिएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें शेयर करें, कुछ भी आपने सीखा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलता है किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।